हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जीना, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी यहां ठीक हूं। तो हम जा रहे थे खेतों पर, तो आज शाम के हम चले जाएंगे दिल्ली। तो हमारी टिकट हो चुकी है दिल्ली जाने के लिए, शाम की हमारी टिकट है। तो हमने सोचा क्यों ना आप खेतों पर जाया जाए, तो मैंने घर से स्टार्ट कर लिया था ब्लॉग बनाने। यह है मेरी छोटी फूफी, तो हमने कहा से तुम भी चलो, तो उनके गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत है, हम नहीं जा रहे। और बच्चे तो वैसे भी आधे पागल हो जाते हैं खेतों पे जाने के लिए, तो हम सारे लोग जा रहे हैं। देख कितना खुश हो गए हैं बच्चे, जा रहे हैं आगे आगे भाग रहे हैं जाने के लिए खेतों पे। तो मैंने स्टार्ट कर दी थी अपना कैमरा, घर से स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत से ब्लॉग, मैंने फर्स्ट बार इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ, बनाती नहीं हूँ। तो ये मेरे पापा के दोस्त बैठे हुए थे, तो ये लोग कहते हैं कि अभी लोग बना रही हो। मैंने कहा हाँ, यहाँ तो हम देखेंगे बेटा। मैंने कहा ठीक है, मैंने जबकि इनको अपनी आईडी भी शेयर नहीं कर रखी है। बट तो हम जा रहे खेतों की तरफ, तो सड़क के उस तरफ के ये उस तरफ पार खेत है हमारा। तो ये नाला है, इसमें बहुत सारा पानी आ जाता है, बट इस टाइम सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि अभी खंदी नहीं हुई है। और हम गलत टाइम पर गांव में गए हैं क्योंकि इस टाइम ना ही खरबूजे हैं ना ही तरबूजे हैं। ये देखो किसी के गेहूं कट गए हैं। मुझे किसी ने बताया था कि गेहूं कट रहे हैं, चलो बुआ ब्लॉग बना लेना, बट जब तक कि मैं आई यहां पर तो गेहूं कट चुके थे। तो वो अपना अनाज लेके चले गए हैं, गेहूं बस यहां पे पड़ा हुआ है। तो यह है मूँगफली के पेड़ खेतों में, देखो पानी बिल्कुल नहीं है, किसे सूखा पड़ा हुआ है ये खेत। और इसी में से हम निकल के जा रहे हैं क्योंकि मेड़ पे चलना बहुत मुश्किल पड़ता है। ये देखो मेड़ है, इस पर बिल्कुल भी नहीं चला जाता है, ये पैर इधर उधर गिरते रहते हैं। और ये है आम का पेड़ जहाँ पर हम जा रहे हैं, ये रहा हमारे आम का पेड़। ये है देखो, ये है मक्का का खेत। तो कितने छोटे छोटे से अभी पेड़ हुए हैं मक्का के। तो हम इस टाइम जाना हमारा बहुत बेकार हुआ, बस शादी की वजह से हम गए थे। बट देखो आम भी नहीं आए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से आम अभी हुए हैं और बड़े बड़े नहीं हुए हैं। हम जब गर्मियों में जाएंगे एक महीने बाद, तब तक कि इसमें आम भी अच्छे से आ जाएंगे। ये देखिए कितने छोटे छोटे से हैं अभी, बट ये खाने में अच्छे लग रहे थे। छोटे छोटे से नीचे गिरे पड़े हुए थे, हमने तोड़ा नहीं एक भी, लेकिन नीचे गिरे पड़े हुए थे तो हमने उन्हीं को उठा के और रख लिए। हम घर पे आके हमने खाए तो बहुत अच्छे लग रहे थे, खट्टे खट्टे से छोटे छोटे से थे, अच्छे लग रहे थे। ये हमारे आम का पेड़, ये मेरे दादा के लगा हुआ आम का पेड़ है। तो हमारे दो आम के पेड़ हैं, एक तो यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए हैं, ये अपनी मक्का को रखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गाय एकदम से झुंड बना करके आती हैं और सारे मतलब सारे नहीं गाँव में घुस जाते खेतों में घुस जाती हैं और मक्का खाने लग जाती हैं। तो इसलिए ये अपने मक्का को रखा रहे थे यहाँ पे बैठ करके। तो ये हमारे देखो गांव दिखाई दे रहा है, सड़क पे ही हैं जो घर बने हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाया, मैंने अभी आपको इतनी दूरी पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो इतने बड़े बड़े हुए थे आम, ये देखें आप, तो नीचे डले हुए थे, हमने वो ही बीन लिए और तोड़े नहीं क्योंकि पापा भी चिल्लाते हमारे। और फिर ये देखिए इस तरीके से डले हुए थे, किसी ने तोड़े होंगे तो वो डले हुए थे, या जो तोते वगैरह होते हैं ना चिड़िया वगैरह खाती हैं आम, तो वो भी गिरा देती हैं। ये देखिए एक और आम का पेड़ है हमारा, एक ये वाला आम का पेड़ है, इस पर भी बहुत तेज़ की आमी आई हुई हैं। तो भतीजे मेरे वहाँ पर पहुँच गए थे बीनने के लिए, ये देखें वहाँ पर भी दो आम के पेड़ है हमारे, तो एक ये वाला एक ये वाला इस साइड पर। तो ये देखिए हमने वहाँ पर खा के भी देखी थी, तो अच्छी लग रही थी। आई होप आपको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए यार प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करें। ये देखें हमारे आगे भी खेत हैं, हम उस तरफ नहीं गए थे। वो देखो देवी आएंगी वहाँ पर बनी हुई हैं, उधर ही सैयद बाबा हैं हमारे, वो मज़ा नहीं दिख पाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। तो हम इतने दूर नहीं जा पाए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और बच्चे परेशान बहुत कर रहे थे और हमें शाम को निकलना भी था दिल्ली। तो इस वजह से ये देखो किसी के गेहूं कटे हुए वहाँ पे पड़े हुए हैं, गट्ठे बंधे हुए गेहूं के। और ये हैं देखें देवी हैं वहाँ पर। और ये देखें यहाँ पे हम सड़क के किनारे घर भी बने हुए हैं, ये देखें फैक्ट्री है ये एक अनाज की। तो इस तरीके से मतलब आपको जूम करके दिखा रही हूँ मैं। ये देख किसी के सरसों हैं,
खड़ी हुई है, पकी हुई है, और ये मक्का आएगी। तो अभी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं हुई है, इतनी ही है। अगले महीने जब हम आएंगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी मक्का, घुंटे भी इसमें लग गए होंगे। तो ये मूँगफली की, ये है मूँगफली के पेड़, ये खेत है मूँगफली का। अब हम चल दिए हैं घर की तरफ, लौटने लग गए हैं घर की तरफ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। यहाँ चलिए देखो, ट्यूबवेल है तो जितने भी इधर के खेत है इसी से भरे जाते हैं। और हम घर के उधर लौट के बुद्धू घर पे आए, ये नहीं होता ऐसा, वही हुआ हमारे साथ भी। तो हम बस इतनी देर के लिए आए, बच्चों का मन था जाने का, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी आपके साथ शेयर करूं, अपने खेत वगैरह इधर दिखाऊं आपको। तो इसलिए आम के पेड़ वगैरह लेके जाऊं और दिखाऊं आपको मैं, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा अपना ब्लॉग बना लिया है। तो हम घर की तरफ जा रहे हैं। यह है नाला, ये पता है इतना भर जाता, जब खंदी होती ना इतना भर जाता, बहुत ज़्यादा इसका पानी पूरा भर जाता है, और उसमें नहाते भी हैं बहुत लोग। ऊपर से ये जो सड़क है ना, पुल है, इसके ऊपर से खड़े होकर इसमें कूदते हैं, फिर पुल के नीचे से भी निकल जाते, पुल के अंदर से भी निकल जाते हैं, इतना इतना गहरा है। ये देखे सड़क पर कोने पर खड़ी हुई, थ्रेसर बोलते हैं इसको, इससे कटते हैं गेहूँ के गठे कटते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने घर की सड़क पर, तो यहाँ पर देखें कोने पर देवी हैंगी। और हम आगे आ जाते हैं, पापा के दोस्त की दुकान है मेरे, तो ये पापा मेरे बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब हम आ गए घर में। आई होप आपको आज का मेरा अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।